दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया की सबसे फेमस राइटर्स में से एक हैरी पॉटर नॉवेल के लेखिका जेके रॉलिंग की, जिनके लिखे हुए 7 हैरी पॉटर बुक्स पर कुल 8 मूवीज बनाई जा चुकी हैं। इसके अलावा हैरी पॉटर को 20वीं सदी का सबसे प्रसिद्ध नॉवेल माना जाता है और इस बुक सीरीज ने दुनिया भर में बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं और इसके कुल 400 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। इसीलिए यह दुनिया का बेस्ट सेलिंग बुक रह चुका है। हालांकि अब यह दूसरे नंबर पर है और फिलहाल ड्रैन ब्राउन द्वारा लिखी गई किताब द विंची कोड पहले नंबर पर है। लेकिन इस वीडियो में हम हैरी पॉटर की लेखिका जेके रॉलिंग के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने बहुत ही कठिनाइयों में इन बुक्स को लिखा और एक बार बुक कंप्लीट हो जाने के बाद भी इसे कोई भी पब्लिशर पब्लिश करने को तैयार नहीं था। लेकिन आगे चलकर इसी बुक की सीरीज कैसे दुनिया की सबसे बेस्ट नॉवल सीरीज बन गई, चलिए हम जानते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 31 जुलाई 1965 से, जब याते इंग्लैंड में जेके रॉलिंग का जन्म हुआ। दरअसल जेके रॉलिंग का पूरा नाम जॉन कैथलिन रॉलिंग है। 4 साल की उम्र में वह अपने माता पिता के साथ पास के एक गांव में रहने चली आई, जहां उन्होंने सेंट माइकल प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई करी और यहीं के प्रिंसिपल अल्फ्रेड को ध्यान में रखकर ही उन्होंने आगे चलकर हैरी पॉटर के हेडमास्टर अल्बस डंबलडोर का किरदार लिखा था। रॉलिंग को शुरू से ही कहानियां लिखना बहुत पसंद था और वह अपने बचपन से ही अजीब अजीब सी कहानियां लिखकर अपनी बहन को सुनाती थी। रॉलिंग ने आगे चलकर वाइडन स्कूल एंड कॉलेज से सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई करी और उसी समय के आसपास उनकी आंटी ने उन्हें जेसिका मिटफोर्ड की ऑटोबायोग्राफी लाकर दी, जिस बुक का नाम था होन्स एंड रेबल्स। होन्स एंड रेबल्स बुक को पढ़ने के बाद रॉलिंग जेसिका की फैन बन गई और फिर उन्होंने उनकी और भी सारी बुक्स पढ़ डाली। 1982 में रॉलिंग ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए एग्जाम दिया, लेकिन वहां उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और इसीलिए मजबूरन उन्हें एक्सीटर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी पड़ी। इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एमएनएसटी इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी में सेक्रेटरी के तौर पर काम किया और फिर आगे उन्होंने मैनचेस्टर में रहकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी काम किया। और जब वह मैनचेस्टर से लंदन आने के लिए ट्रेन से सफर कर रही थी तो उनके मन में जादूगरी के स्कूल में पढ़ने वाला एक यंग बॉय की कहानी आई, जिसे कि उन्होंने अपने मन में पूरी तरह से गढ़ लिया था। और जैसे ही वह लंदन अपने कैंपस पहुंची तो उन्होंने तुरंत लिखना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ दिनों बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई, जो कि रॉलिंग की सबसे करीबी थी, और फिर इस घटना का प्रभाव रॉलिंग के लेखन पर भी पड़ा। वह दुखी दुखी सी रहने लगी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपने गम को भुलाने के लिए भी लेखन का ही सहारा लिया और अपना पूरा समय लिखने में बिताने लगी। कुछ समय बाद वह जॉब की तलाश में पुर्तगाल चली गई, जहां उन्हें इंग्लिश पढ़ाने का काम मिला। वे रात में जॉब करती थी और दिन में लेखन का काम करती। पुर्तगाल में उनकी मुलाकात हुई जर्नलिस्ट जॉर्ज ऑरेंट से। दोनों के विचार आपस में काफी मिलते जुलते थे और इसीलिए उन्होंने 16 अक्टूबर 1982 को शादी कर ली। 27 जुलाई 1993 को उनकी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने जेसिका रखा। लेकिन घरेलू दुर्व्यवहार से परेशान होकर रॉलिंग ने 17 नवंबर 1993 को तलाक ले लिया। इसके बाद रॉलिंग अपनी बच्ची के साथ अपने बहन के वहां स्कॉटलैंड रहने चली गई। इस समय तक वह हैरी पॉटर की 3 चैप्टर्स लिख चुकी थी। ये टाइम रॉलिंग के लिए काफी दुख भरा था। उनकी शादी असफल हो चुकी थी, एक बच्चे की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर थी और उनके पास कोई काम भी नहीं था, इसलिए वह डिप्रेशन में रहने लगी। उन्होंने अपना खर्च उठाने के लिए वेलफेयर बेनिफिट्स का फॉर्म भरा, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार गरीब और सिंगल पेरेंट्स के जीवन यापन के लिए पैसे देती थी। हालांकि इन सभी परेशानियों को झेलते हुए भी उन्होंने अपने लेखन का काम कभी भी बंद नहीं किया और आखिरकार उनकी पहली बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन पूरी हुई, जिसे कि 1995 में उन्होंने एक पुराने टाइपराइटर की मदद से टाइप किया और उसे पब्लिश करवाने के लिए पब्लिशर्स के पास ले गई। लेकिन वहां भी उन्हें दर दर ठोकरें खानी पड़ी और 12 पब्लिशिंग हाउसेज ने उनके बुक को छापने के लिए मना कर दिया। रॉलिंग के सपनों पर अब पानी फिरता नजर आ रहा था। लेकिन एक साल बाद लंदन के एक पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी आखिरकार इस किताब को पब्लिश करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वहां के एडिटर बैरी कनिंघम को लगता था कि वह बुक सफल नहीं हो पाएगी।
इसीलिए उन्होंने रॉलिंग को जॉब करने की सलाह दी। लेकिन 26 जून 1997 को किताब पब्लिश करने के बाद तो मानो सब कुछ उल्टा हो गया। इस बुक को लोगों ने बहुत पसंद किया और फिर 5 महीने बाद ही इस बुक को नेस्ले स्मार्टीज बुक अवार्ड और ब्रिटिश बुक अवार्ड का चिल्ड्रन बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। इस बुक का सीक्वल हैरी पॉटर द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स 2 जुलाई 1998 को पब्लिश हुआ और फिर 8 जुलाई 1999 में तीसरा नॉवल हैरी पॉटर एंड प्रिजनर ऑफ अजकबन रिलीज हुआ और फिर 8 जुलाई 2000 को लॉन्च किया गया चौथा नॉवल हैरी पॉटर एंड द गॉलेट ऑफ फायर ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और इस किताब की 372,755 कॉपियां यूके में पहले दिन ही बिक गई। 2001 में रॉलिंग ने नील मुरे नाम के एक डॉक्टर से दूसरी शादी की और फिर 24 मार्च 2003 को उनका बेटा डेविड गॉर्डन पैदा हुआ। 21 जून 2003 को हैरी पॉटर की 5वीं नॉवेल पब्लिश की गई और फिर 2004 में रॉलिंग किताबें लिखकर अरबपति बनने वाली पहली लेखक बनी। 16 जुलाई 2005 को 6वीं और 21 जुलाई 2007 को 7वीं और अंतिम किताब आई जिसने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ द ऑल टाइम बन गई। यूके और यूएस में रिलीज होने के पहले दिन में ही इनकी 11 मिलियन कॉपियां बिक गईं और इन बुक्स पर एक के बाद एक फिल्म बनती भी चली गई जिसके रिलीज डेट और नाम आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों, लाइव हिंदी चैनल का एंड्रॉयड ऐप अब आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे लोगों के बायोग्राफीज और सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगे जिसे आप आर्टिकल के रूप में पढ़ सकते हैं या फिर वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप भी हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो वह भी आप यहां से कर सकते हैं और हम आपके टॉपिक के रेडी हो जाने के बाद आपके उस टॉपिक के वीडियो को आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजने का काम करेंगे। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन को बार बार अपडेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप एप्लीकेशन को मोबाइल में इंस्टॉल किए रहिए और जैसे ही कोई नई वीडियो या फिर आर्टिकल अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र हैं तो आपको इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।